Hi everyone, assalamu alaikum and welcome back to another video. I hope you guys are doing super fine, really well. तो आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू शो यू गाइज हाउ टू क्रिएट माई सिग्नेचर निकाब लुक. तो आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है बिकॉज इसके बाद मैं अपनी सिग्नेचर निकाब लुक नहीं क्रिएट करने वाली. और तुम लोग वीडियो देखते नहीं हो और बाद में बोलते हो कि आप अपनी निकाब लुक दिखा दें, ये वाला सिग्नेचर निकाब लुक क्रिएट कर दें, ये कर दें, वो कर दें. तो बस ये लास्ट टाइम है जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ. तो आप लोगों ने वीडियो स्किप नहीं करनी, पूरी वीडियो देखनी है ताकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाए कि मैंने कैसे क्रिएट किया है और फिर बार बार आप लोग रिक्वेस्ट ना करो. तो जब आप लोग ये वीडियो देख लोगे ना तो मुझे कमेंट्स में बता देना कि यस हम लोगों ने वीडियो देख लिया, ताकि मुझे भी तसल्ली हो जाए कि आप लोग देख चुके हैं और अब बार बार आप लोग मुझे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे. तो चलें आप लोग वो काम करें जो आपके एंड पे है और मैं अपने एंड वाला काम करती हूँ. मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारा ट्यूटोरियल दिखाऊंगी कि मैं कैसे ये अचीव करती हूँ. एंड इट इज़ ईटिंग फ्रेंडली, आप इसमें ईजिली खा सकते हैं. इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट स्टाइल दैट यू कैन वेयर फॉर योर स्पेशल ओकेजन एंड वेन एवर यू वॉन्ट टू फील एक्स्ट्रा स्टाइलिश. तो आप ये कर सकते हैं. वॉइस ओवर करते हुए मेरे माइंड में भी कुछ और चल रहा था इसलिए मैं स्लो हो गई थी. एनीवेज लेट्स डू इट. ट्यूटोरियल से पहले मैं आप लोगों को डिटेल से बता देती हूँ कि मैं कौन कौन से हिजाब्स यूज़ करती हूँ, कैसी हिजाब कैप यूज़ करती हूँ, कौन सी पेंस यूज़ करती हूँ, ताकि आपके सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ना वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएँ. मेरे पास ये तीन हिजाब्स हैं दैट आई मोस्टली यूज. द फर्स्ट वन इज़ दिस दैट इज़ इन लॉन, और इसके बाद ये शिफॉन है, और थर्ड वन इज़ इन सिल्क. बट आई प्रेफर यूजिंग शिफॉन बिकॉज इट ट्रैप्स ब्यूटिफुली एंड इट इज़ वेरी वेरी कम्फर्टेबल टू वेयर. सो आप लोग अपनी मर्जी से जो भी करना चाहते हैं करें. अगर आप बिल्कुल अभी बिगिनर हैं और आपको सही तरह से हिजाब करना नहीं आता तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि आप स्टार्ट जो है वो लॉन के हिजाब से करें, बिकॉज वो थोड़ा सा हैंडल करना ईजी होता है. बट वन थिंग, ऑलवेज मेक श्योर दैट यू हैव अ वेरी लाइट वेट एंड ब्रेदेबल फैब्रिक फॉर योर निकाब. क्योंकि गर्मियों में स्पेसिफिकली क्या होता है कि जब आप निकाब कर लेते हो तो गर्मी की वजह से समटाइम्स ये होगा कि आप बहुत ज़्यादा इरीटेबल फील करोगे. सो वो हिजाब यूज़ करो, वो निकाब यूज़ करो जो कि आपके लिए कम्फर्टेबल हो और लाइट वेट हो, ब्रेदेबल हो, ताकि आप ईजिली उसको पूरा दिन भी कैरी करो तो प्रॉब्लम ना हो. देन बात दिया हिजाब कैप्स की, बिकॉज मार्केट में इतनी ज़्यादा हिजाब कैप्स हैं, इतनी वैरायटी है, तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सी वाली लेनी चाहिए. तो मैं आप लोगों का ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देती हूँ. सबसे पहले तो मैं ये बताती चलूँ कि अगर आपको एक प्यारा सा, एक खूबसूरत सा, एक प्रेजेंटेबल निकाब चाहिए तो सबसे पहले आप लोगों ने इस बात को भूल जाना है कि हम हिजाब कैप के बगैर निकाब करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा. बिकॉज आपका निकाब को प्रेजेंटेबल आपकी हिजाब कैप बनाती है. आप जब हिजाब कैप पहन लेते हो ना तो फिर आपका निकाब बिल्कुल भी मूव नहीं करता, एक जगह स्टे करता है. तो ये मेक श्योर करें कि आप हिजाब कैप ज़रूर पहने. सो मेरे पास अभी ये एक हिजाब कैप है जो कि पीछे से टाई बैक वाली हिजाब कैप है. आप इसको आराम से अपने सर पे रखने के बाद टाई कर सकते हैं पीछे से, ये भी बहुत अच्छी है. इसके अलावा जो नेक्स्ट है ना वो ये ट्यूब हिजाब कैप्स हैं, स्किन वाली जो है उसमें, और ये वाली भी. इसमें भी यही है कि बस ये फोर कलर्स में है, फोर इन वन, और वो सिंगल कलर में. तो ये वाली जो ट्यूब हिजाब कैप होती है इसमें ये होता है कि आपको पीछे से टाई नहीं करने की ज़रूरत पड़ती. अगर आपने बन बनाया हुआ तो वो ईजिली इसमें आ जाएगा, और ये भी बहुत ही कम्फर्टेबल है. दोनों ही कम्फर्टेबल हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ ट्यूब हिजाब कैप्स, बिकॉज टाई बैक वाली हिजाब कैप्स है ना उसमें आपके बाल टूटते हैं जब आप उसको बांधते हो पीछे से. ओके, देन कम्स दीज हिजाब पिंस जो कि देखने में कुछ भी नहीं है, बट दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड दिस विल हेल्प यू टू सिक्योर योर हिजाब इन प्लेस एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लिपिंग. तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब मार्केट में हिजाब पिंस की भी इतनी वेराइटी आ चुकी है ना डिफरेंट. ये पहले मैंने जो आपको दिखाया ये मैगनेट वाला है, और ये भी एक नई स्टाइल की कोई हिजाब पिन आई है जो कि मैंने अभी रिसेंटली यूज़ करना स्टार्ट किया. इससे आप अपने हिजाब को ना जैसे सेफ्टी पिन से करते थे उस तरह से सिक्योर कर सकते हो. देन दीज आर द सेफ्टी पिंस जो कि आपके हिजाब को ख़राब नहीं करती, बट इसको फिर आपको पिन करना पड़ता है, लाइक उसमें एक होल होता है, बट जो पहले मैंने आपको दिखाई थी उससे होल करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती. देन ये हमारे पास कॉमन पिंस हैं, इसमें भी इतनी वैरायटी आ चुकी है, डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइजेस, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो. ये देखो इतनी प्यारी सी एक बटरफ्लाई वाली है, ये मुझे बहुत क्यूट लग रही थी. तो अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि हमने हिजाब ट्यूटोरियल करना कैसे है. सबसे पहले आप लोग देख लें कि मैंने ये एक हिजाब कैप पहनी हुई है. हिजाब कैप पहना बहुत ज़रूरी है जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है. एंड ये जो हाफ निकाब मैंने पहना हुआ है ना ये जस्ट मैंने वीडियो के लिए पहना हुआ है, आपको पहनने की ज़रूरत नहीं है. ये मैंने अपना फेस कवर करने के लिए पहना हुआ है. एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द फर्स्ट स्टेप. बिगिन बाय प्लेसिंग द हिजाब ओवर योर हेड इंश्योरिंग दैट इट कवर्स योर हेयर कम्प्लीटली. मैं आप लोगों को अपना सिग्नेचर निकाब स्टाइल बता रही हूँ, तो उसमें मैं क्या करती हूँ कि मैं एक साइड को बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर लेती हूँ जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, और एक साइड मेरी लॉन्ग होती है.
देन आपने फ्रंट से इसको इस तरह से फोल्ड करना है जैसे मैं कर रही हूँ, आप लोग देख लें वीडियो में, साथ साथ डिमॉन्स्ट्रेशन भी हो रही है, साथ साथ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इसके बाद आप इसको अपने हेड से भी फोल्ड करके, दोनों साइड से इक्वली फोल्ड करके एक प्यारी सी आप आगे से इसमें शेप बना लेंगे, जो कि आप लोग वीडियो में अभी देख भी रहे हो। ये काफ़ी एक ट्रिकी स्टेप है, अगर आप ये स्टेप अच्छे से कर लेते हो ना तो आपका हिजाब बहुत ही प्यारा लगता है और ये हेड फोर हेड से बहुत ही खूबसूरत सी नीट लुक देता है। तो आप लोग इसको इस तरह से तब कर सकते हैं जब आप इक्वली इसको फोल्ड करेंगे ना, तभी आपका ये दोनों साइड से इक्वल हो सकता है, अदरवाइज़ ये नहीं बन पाता। बहुत सारी लड़कियों की कंप्लेंस होती हैं कि नहीं बना सकते हम लोग इस तरह से प्रॉपरली शेप हिजाब की, तो बस आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग जब भी फोल्ड करें ना हिजाब को, जो मैंने आगे से फोल्ड किया वो दोनों साइड से इक्वल फोल्ड करेंगे तो आपको बहुत अच्छा बनेगा। तो बस ये देखें, ये मैंने कर लिया और फिर मैं इसको अपनी एक सेफ्टी पिन से यहाँ से सिक्योर कर लूँगी। यहाँ जो मैं ट्रिक यूज़ करती हूँ ना, ये आप लोग मिस कर देते हो, इसीलिए आप लोगों का हिजाब इतने अच्छे से नहीं होता। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ ना, मैं ये कॉमन पिंस लेती हूँ और अपने हिजाब को सिक्योर कर लेती हूँ विद दीज पिंस, और हिजाब को जब यहाँ से आप सिक्योर कर लेते हो ना, हिजाब कैप के साथ ये अटैच हो जाता है अच्छे से, तो फिर ये बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। आप जितना मर्ज़ी जो भी कर लें पूरे दिन में, आपका ये हिजाब बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। पिंस के साथ मैंने इसको सिक्योर कर लिया है। अब मैं एक छोटू सी लेयर डालूंगी इसमें, बिकॉज़ इस लेयर से क्या होता है ना कि ये आपकी पिंस छुप जाती हैं और फिर आपके हिजाब पे ये पिंस नज़र नहीं आएंगी, तो आपका हिजाब बहुत ही प्रेजेंटेबल लगेगा। अदरवाइज़ ये बहुत सारी पिंस सर पे लगी हुई अच्छी नहीं लगती। थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, अपने हिजाब को इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे आगे से, ये देखें जैसे मैंने इसमें फोल्ड किया है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने हिजाब को रैप कर लेना है अराउंड योर हेड, जैसे मैं आप लोगों को अभी करके दिखाऊँगी। एंड नाउ सिक्योर योर हिजाब इन प्लेस बाय पिनिंग इट एट द साइड ऑफ योर हेड, और इस तरह से अच्छी तरह से इसको पिन अप कर लें ताकि ये मूव ना करे। नाउ यू हैव टू टेक दिस साइड ऑफ द हिजाब और ब्रिंग इट अक्रॉस योर फेस, और इससे अच्छी तरह से अपने फेस को और अपने माउथ एरिया को कवर कर लें। नाउ आई एम सिक्योरिंग इट विद पिंस ताकि ये अपनी जगह पे रहे और ज़्यादा मूव ना करे। आपने दो पिंस यूज़ करनी है, एक एक साइड पे इसको रखने के लिए और सेकंड साइड पे भी इसी तरह से इसको पिन अप कर लेना है ताकि ये मूव ना करे और आपके फेस पे स्टे करे। ओके, दिस इज़ द फाइनल स्टेप। एडजस्ट द फैब्रिक एज नीडेड टू मेक श्योर इट फॉल्स ग्रेसफुली एंड फ्रेम्स योर बॉडी वेरी ब्यूटिफुली। तो बस अच्छे से अपने हिजाब को आपने इस तरह से सेट लेना है, और अगर साइड्स पे अगर आप नहीं पूरा दिन कैरी कर सकते इजीली तो आप इसको शोल्डर्स पे पिंस लगा के पिनअप भी कर सकते हैं, बट मैं पिनअप नहीं करती, मुझे इस तरह से ही अच्छा लगता है। बस ये देख लें आप लोग फाइनल लुक। एज आई टोल्ड इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो दैट इट इज़ इटिंग फ्रेंडली निकाब स्टाइल, तो ये देखें यहाँ से आप इस पिन को ओपन करेंगे और आपका निकाब ईजिली ओपन हो जाएगा। यू कैन ईट एनी थिंग, आप खा सकते हैं, आप पी सकते हैं, एंड जब आपका दिल चाहे खाने पीने के बाद तो आप ईजिली इसको पिनअप कर लें। इसमें आपको मिरर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपने पिन वापस अगेन लगानी है और आप नकाब कर लेंगे एंड यू आर गुड टू गो। ओके गाइज, हियर यू गो द सिग्नेचर नकाब स्टाइल। आई होप यू गाइज एंजॉयड द ट्यूटोरियल एंड फाउंड इट रियली हेल्पफुल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लीव अ कॉमेंट डाउन बिलो। आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी सजेशन है फॉर द फ्यूचर वीडियोज़ तो यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो। एंड इफ यू गाइज हैव एनी रिक्वेस्ट फॉर फ्यूचर वीडियोज़ और एनी स्पेसिफिक हिजाब स्टाइल दैट यू वुड लाइक मी टू कवर, तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं। आई एम ऑलवेज एक्साइटेड टू हियर फ्रॉम यू एंड क्रिएट कॉन्टेंट दैट यू फाइंड वैल्यूएबल, सो आप लोगों ने मुझे जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताना है। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।